हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड क्षेत्र में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत हो रही कार्रवाई, व्यापारियों में मचा हड़कंप। पाली जिला कलेक्टर एवं राज्य सरकार के आदेश अनुसार त्योहार को देखते हुए प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। मिलावट खोरों के खिलाफ प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत आज जिले के सोजत रोड क्षेत्र में पाली DSO कृष्णा भाटी के नेतृत्व में मेडिकल एवं रसद विभाग फूड कॉरपोरेशन के संयुक्त कार्रवाई में सोजत रोड क्षेत्र में मिठाई, दूध, डेयरी, किराना की अनेक दुकानों पर दबिश देकर सैंपल लिए गए और कार्रवाई की गई। अचानक हुई मिठाई की दुकान एवं खाद्य सामग्री की दुकानों पर कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप समझ गया। पुलिस थाने के सामने खेतेश्वर मिष्ठान भंडार पर काफी पुराना व बदबूदार केक मिलने पर उसे हाथों हाथ नष्ट करवाया। वहीं किराने की दुकानों पर एक्सपायर सामान को नष्ट करने के निर्देश दिए। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए कृष्णा भाटी अभियान प्रभारी, इन्होंने ये कहा, मिठाई की दुकानों की हमने करीब करीब चेकिंग कर ली है शहर में। वहाँ पर हम लोगों ने ये डेयरी वाले हमारे साथ है, इसको टेस्ट किए। वहाँ पर ज्यादातर सब दुकानों पर सही पाया गया। वहाँ पर एक सुरेश काका की दुकान पर 2 किलो खराब मावा था, उसको हमने नष्ट करवाया ऑन द स्पॉट पैकेजिंग पर, ठीक है। और आज हमने सोजत रोड की सारी दुकानें का अभियान छेड़ रखा है। हमारे साथ लीगल मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर LMO साहब भी है, वो किराना की दुकानें भी चेक करेंगे, मसाले वगैरह में भी, और जो ये बाट माप वगैरह वहाँ भी कोई गड़बड़ होगी तो कार्रवाई करेंगे। ये अभियान 14 तारीख तक जारी रहेगा और इसके लिए कंट्रोल रूम भी जिला कलेक्टर महोदय ने बनाया है। और साथ ही कोई भी यदि इसमें मिलावट की जानकारी देता है तो उसके लिए 51,000 रुपये का इनाम भी रखा है। तो क्षेत्र में भी हम इसका प्रचार प्रसार आप लोगों के माध्यम से करवाना चाह रहे हैं कि कहीं भी कोई मिलावटी व्यापार करता हुआ पाया जाता है तो वो कंट्रोल रूम में इसकी तुरंत जानकारी दे, उसको उसका नाम गुप्त रख के उसको इनाम भी दिया जाएगा और साथ ही उस मिलावटखोर के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जागरूक टीवी के लिए सोजत रोड से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।